हम हैं वृंदावन के पवन हंस हेलीपैड में और यहाँ दिल्ली से आए हुए विशाल जैन जी ने वृंदावन में कुंभ मेले को देखते हुए एक व्यवस्था शुरू की है दर्शनार्थियों के लिए। जो भी लोग मेले में दर्शन करना चाहते हैं ऊपर से हेलीकॉप्टर के द्वारा वो यहाँ आ सकते हैं और यहाँ से 4 लोगों को लेकर ये हेलीकॉप्टर ऊपर उड़ेगा, पूरे वृंदावन का एक चक्कर लगाएगा जिसमें प्रेम मंदिर, बिहारी मंदिर और जो भी है वृंदावन में वो सब ऊपर से उनको दिखाई देगा। इसके लिए एक निर्धारित शुल्क भी इन्होंने रखी है, लगभग 3,500 रुपये पर पर्सन। हेलीकॉप्टर स्टार्ट होते हुए नजारा ऊपर से
है सामने की तरफ से और क्रमशः लगातार हेलीपैड की ओर बढ़ते हुए दिल्ली से पारस एविएशन के एमडी विशाल जैन जी जुड़ चुके हैं। आइए विशाल जैन जी से कुछ जानकारी लेते हैं। मैं विशाल जी, आप बताएं कि इस हेलीकॉप्टर को यहाँ लाके और कुंभ में उड़ाने के पीछे आपका क्या उद्देश्य है? देखिए, हम कुछ नया करना चाहते थे, तो हमारी यहाँ के अधिकारियों से बात हुई, कुंभ लग रहा था और वृंदावन में सभी श्रद्धालु क्यों कुछ अलग स्टाइल में आजकल जस्ट किसी नए स्टाइल में दर्शन कराए थे। स्टार्ट किया कि हेलीकॉप्टर से दर्शन कराते हैं और कुंभ जैसे चल रहा है तो उसमें शाही स्नान वगैरह है, तो कुंभ में इतनी भीड़ होती है कि नीचे से अगर कोई देखना चाहे तो सिर्फ भीड़ ही भीड़ नज़र आती है, कुछ और नज़र नहीं आता। हमने ये सोचा है कि चलो क्यों ना कुंभ के दर्शन हम हेलीकॉप्टर से करें, तो इसलिए हमने ये हेलीकॉप्टर का कॉन्सेप्ट रखा। डीएम साहब से आप बात की, आप आइए। और तो यहाँ कोई श्रद्धालु अगर कुंभ के दौरान पुष्प वर्षा करना चाहे संतों के ऊपर, जैसा कि कहा जाता है कुंभ में देवी देवता भी निवास करते हैं, तो उस पुण्य के लिए क्या आपके हेलीकॉप्टर से पुष्प बरसाने की अनुमति होगी उनको? हाँ बिल्कुल, हमने डीएम साहब से फ्लावर ड्रॉप क्या है और धार्मिक ये आयोजन है, तो अब भी पुष्प वर्षा करना चाहते हैं, तो हमें कई महाराज जी ने हमसे कॉन्टेक्ट किया कि हमें शाही स्नान के दौरान पुष्प वर्षा करनी, तो उसकी अनुमति हमारे पास है। तो ये कोई भी भक्त कर सकता है, जो पे करेगा वो यहाँ बिल्कुल आके और पुष्प वर्षा कर सकता है। बिल्कुल। अच्छा जैन साहब, एक बात बताएं, लोगों के मन में ये बात है, सुरक्षा की दृष्टि से आपके यहाँ क्या मानक तय हुए हैं, क्या सुरक्षा के इंतजाम आपने कर रखे हैं? देखिए, सुरक्षा के हिसाब से हमारे पास सारे फायर ब्रिगेड और फायर एक्सटिंग्विशर रखे हैं, ठीक है। और इंश्योरेंस का जहाँ तक बात है, बाकी हेलीकॉप्टर हमारा ब्रांड न्यू है, अमेरिकन ब्रांड है, इससे कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, कोई सुरक्षा की दृष्टि से ज़्यादा वो किया जाए, बिल्कुल सेफ है, बहुत अच्छा है। तो यहाँ जो लोग आएंगे उनकी नियमित जांच भी होगी? बिल्कुल बिल्कुल, जांच के दौरान ही हम उनको अंदर आने दे रहे हैं। सुरक्षाकर्मी आपने लगा रखे? बिल्कुल, हमने सुरक्षाकर्मी लगा रखे हैं, जाँच के दौरान ही उन पर चेकिंग करके कुछ अलग चीज़ तो नहीं है। ये थे हमारे साथ विशाल जैन जी, और जैसा कि उन्होंने बताया कोई भी श्रद्धालु बिना किसी शर्त के, बिना किसी कंडीशन के यहाँ आ सकता है और वो इसमें हेलीकॉप्टर से राइड करके और पुष्प वर्षा करना चाहे पुष्प वर्षा कर सकता है। मैं वृंदावन से न्याय टीवी के लिए योगेश शर्मा। हमारे साथ कुछ श्रद्धालु जुड़ गए हैं यहाँ जो हेलीकॉप्टर में बैठे हुए हैं। आइए पूछते हैं, सर आप कहाँ से आए हुए हैं? मैं दिल्ली से आया हूँ। अच्छा, आप अकेले ही हैं? नहीं, मेरे वाइफ और मेरे बच्चे। अच्छा, वाइफ और आप साथ में, तो आपको हेलीकॉप्टर में बैठ के कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, पहला एक्सपीरियंस है मेरा ये। तो ये आपको कहाँ से पता चला कि यहाँ हेलीकॉप्टर से व्यवस्था है कुंभ देखने? मैं बस अभी इस रोड से गुजर रहा था तो मैंने हेलीकॉप्टर को देखा, तो मेरे को लगा कि मुझे यहाँ से बैठना चाहिए, तो बट जैसे मैंने पता किया तो मैंने बोला कि ये हम लोगों के लिए खुला है आज से जी, तो बहुत अच्छा लगा। तो आपके साथ आपकी फैमिली है? हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा होता है, एक एक ट्रेंड समझ में आ रहा है, पता चला कमला नदी कैसी दिखती है, वो
दर्शकों को कहूँगी कि आप इधर आओ और इसे ना इंजॉय करो, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस। आप बहुत एक्साइटेड हैं इस राइड को? मैं पहले बहुत डरी हुई थी पर अब मुझे इतना मजा आया कि अगर मुझे कोई बोले दोबारा करने तो मैं जरूर। तो कुंभ में जो लोग आ रहे हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि उन लोगों को राइड लेना चाहिए? हाँ बिल्कुल, आप थोड़ी देर अपना समय और निकाल के आइए और इस चीज का अनुभव कीजिए, बहुत मजेदार। मैम आपका नाम बताइए? पल्लवी। पल्लवी, थैंक यू।